तरफ है मेरी मम्मी, एक तरफ है मेरी बड़ी माँ। खाने के लिए बड़े मैम है क्या सर? ये एकदम करेक्ट। हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में, जिस इंडियन नेपाली गर्ल। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियो में देखा था एक लड़की, मतलब दोनों साइड में अपने पेरेंट्स को रख के, मतलब उसका दिनचर्या के बारे में बोलती है कि वो सुबह उठती है, पूरा दिन भर क्या करती है, तो उनका पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होता है। तो वैसे ही मैंने वहाँ से देख कर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखते हैं मेरा मम्मी का रिएक्शन क्या होता है, और ये मेरा उसके बाद मैं करूँगी हु नोज़ मी बेटर। तो एक साइड रहेंगी मेरी बड़ी माँ, एक साइड रहेंगी मेरी मम्मी, ये दोनों को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आएंगी, पता नहीं कैसा बनेगा ये वीडियो, एकदम ही छोटा भी बन सकता है, क्योंकि अगर वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो लगा लग मैं बंद कर दूंगी, चाहे दो या तीन ही क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को भी जानना है ना, ये दोनों ही मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से है, तो मेरे को भी जानना है कि ये लोग कितना जानते हैं मेरे बारे में, और मुझे तो देखना है मम्मी का रिएक्शन। सो अभी इन लोग को पता नहीं है, मैं थोड़ा इन लोग को बिठा के पहले तो बोलूँगी कि ऐसे ऐसे नॉर्मल से वीडियो बनाते हैं बोलूँगी, तो देखते हैं इन लोग का रिएक्शन। सो मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो करते हैं एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। मम्मी ला सोनी पहले ना सब ला सोनी हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल विच इज इंडियन नेपाली गर्ल। आज मैं करने वाली हूँ हु नोज मी बेटर। एक तरफ है मेरी मम्मी, एक तरफ है मेरी बड़ी माँ, ठीक है, मीन्स मेरी मम्मी की दीदी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, और ये मम्मी जिनको मेरे बारे में ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा इंट्रोड्यूस दे देती हूँ। हेलो, मैं हूँ आपकी इंडियन नेपाली गर्ल, और मेरा नाम है स्मिता थापा। सो मैं अपने दिनचर्या के बारे में बता दूँ, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ ऑलमोस्ट 4 बजे, ठीक है। 4 बजे उठने के बाद मैं पूरा दिन भर में क्या क्या करती हूँ मैं वो बताने वाली हूँ। तो मैं सुबह उठ के करती हूँ, पहले तो मैं अपना पूरा घर को झाड़ू मारती हूँ, झूठ बोलो, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, बार बार झूठ बोलो, फिर उसके बाद मैं नहा धो के फिर मैं करती हूँ पूजा, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, फिर उसके बाद में मेरी मम्मी उठती है, बहुत लेट से उठती है, बहुत लेट से उठती है, उसके बाद मैं उनके लिए बनाती हूँ टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। नो आस्किंग कंट्रोल। हाँ, तो मैं बनाती हूँ उन लोगों से उनके लिए ब्रेकफास्ट। तो मेरी बड़ी माँ अभी आई हुई है मेरे घर पे, तो मैंने सोचा एक हु नोज़ मी बेटर वाला एक वीडियो बनाया जाए। तो उसके बाद मेरी मम्मी जाती है अपना थेरेपी के लिए, तो मम्मी आने तक मैं बना लेती हूँ अपना सारा लंच, और घर वर एकदम साफ करके रखती हूँ, है ना। ठीक है, है ना। अभी सब हो गया, मेरा इंट्रोड्यूस वगैरह हो गया, दिनचर्या वगैरह हो गया, उसमें कई अलग दिन वीडियो बनाई है। तो अभी करेंगे हु नोज मी बेटर, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन मैं पूछूंगी अपनी मम्मी से और अपनी बड़ी माँ से, सो कौन मुझे सबसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि मेरे लाइफ में 2 ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। हुन्छा पूछम मेरा फेवरेट कलर क्या है, है ना, मेरा फेवरेट कलर क्या हो, मतलब के कलर बेसी मन पर्च था भन्न आमा ने, पहले बोलेंगे मेरी बड़ी माँ सब काल जोर से भन्न पसंद है। हाँ ठीक है, मेरी बड़ी माँ बोल रही है मुझे ब्लैक कलर पसंद है काला, ठीक है। और अभी बोलेंगी मेरी मम्मी मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या लगता, मेरे को क्या पसंद है कलर वो बताओ, खाने के लिए ना कलर, मतलब क्या कलर पसंद है, पिंक, येलो,
रेड इसमें है दोनों ही गलत। मुझे पिंक येलो रेड कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है। मुझे पसंद है वाइट एंड अभी मुझे पसंद है हाँ ब्लैक। बड़ी माँ थोड़ा ठीक है, ब्लैक पसंद है मुझे। ठीक है तो इसका विनर होती है मेरी बड़ी माँ। तो मेरा मम्मी को कुछ भी नहीं पता है, गजब बेइज्जती है। ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन है कि मेरा फेवरेट फूड क्या है, मुझे क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो पहले बोलेंगी मेरी मम्मी। क्या खाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? भानु ना बाहर को सामान फास्ट फूड ये क्या अरे कहना क्या चाहते हो? तो चिकन बहुत खाते है बाहर का चीज फास्ट फूड। जोर से बन लो। बाहर का चीज बहुत खाते है फास्ट फूड। फेवरेट चीज की हो मेरे चाउमीन सब बर्गर पिज्जा की हो? बर्गर पिज्जा सब खाते। ठीक है मेरी मम्मी ने साफ बोल दिया। ठीक है अभी बड़ी माँ बोलेंगी जी। मना मन चाउमीन चाउमीन पिज्जा पिज्जा चाउमीन ठीक है तो हाँ मुझे पिज्जा पसंद है चाउमीन पसंद है बट सबसे ज्यादा मुझे पसंद है मोमो। मोमो भूलनु आको घर में इतनी बना रहा खान चाउ सीखा मेरे को सर इतना बोला याद नहीं पड़ो नहीं। ठीक है तो ये भी इसमें भी दोनों फेल, कुछ भी काम नहीं है ये लोग दोनों का, कुछ भी नहीं जानते मेरे को। ठीक है थर्ड हो गया, ये तो एकदम सिंपल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, ये बोलेंगी मेरी बड़ी माँ। साथी मेरे एकदम साथी जो साथी मेरे साथी बहुत पुराना साथी वो थी नहीं पुराना साथी ये बड़ी माँ को भी पता है बट पता नहीं क्यों नहीं बोल रही। पूजा पूजा है साथी साथी ना। ठीक है अभी बोलेंगी मेरी मम्मी। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? साहिल। एक ही है हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है साहिल। ये बड़ी माँ को भी पता है बट पता नहीं क्यों पूजा बोल रही, मेरी कजिन सिस्टर के बारे में बोल रही। ठीक है ये हो गया सिंपल था बट ये भी मेरी बड़ी माँ को पता नहीं था। सेकेंड हो गया साहिल के साथ मेरा फ्रेंडशिप कितना साल हो गया, कति साल भयो मेरो साहिल से म कति साल बडा दोस्त छु? 12 साल। मम्मी मम्मी गलत है, बड़ी माँ सही है। तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऑलमोस्ट 12 साल हो गया और अभी उसका शादी भी हो गया। ठीक है और मैं पूछूंगी और क्या पूछूं इनको, ये लोग तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन में ही इन लोगों को पता नहीं है। ठीक है तो मैं सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ हूँ, मम्मी को छोड़ के मैं सबसे ज़्यादा मतलब फ्री किसके साथ हूँ? बड़ी माँ के साथ। अनु मम्मी वन्नु आमा वन्नु बड़ी माँ के साथ। ये एकदम करेक्ट है, मैं मम्मी को मतलब मम्मी के बाद किसी से अगर ज़्यादा फ्री हूँ क्लोज हूँ तो बड़ी मैं के साथ हूँ। फिर और मैं पूछूंगी कि मेरा नेचर कैसा है, मतलब मैं लोगों के साथ कैसी हूँ, मतलब हरामी हूँ खराब हूँ, फटाक से जल्दी भरोसा कर लेती हूँ नहीं करती हूँ, जल्दी बात करती हूँ नहीं करती हूँ, कैसी टाइप की मैं हूँ पहले मेरी बताएंगी मम्मी। आदमी के साथ भरोसा थोड़ा कोई दुख दिखा दिया तो भरोसा कर लेती है दुख से उसके बाद में उसे को धोखा दे देता है कोई। यही बात है।
ठीक है अब आमाले भन्नु म कस्तो खालको छु मैले मान्छेलाई भरोसा गर्ने छु गर्दिनँ मान्छेलाई हेल्प गर्छु मद्दत गर्छु कस्तो खालको छु छु जोड से भन्नु आदमीको बहुत भरोसा गर्दी है एकदम गर्दी है क्या गर्दी है एकदम फ्री भएर भन्नु न के भन्नु भरोसा गर्दी है तो ये मेरे मैं खुद नहीं बताना पड़ेगा दोनों ने बता दिया ठीक है तो और मुझे सबसे ज्यादा क्या पहनना पसंद है मतलब मेरे को सलवार पहनना पसंद है कुर्ता पहनना मीन्स जीन्स पैंट पहनना पसंद है क्या पहनना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बड़ी माँ बोलेंगी जींस पैंट कुर्ता पसंद है हाँ हाँ अभी मेरी मम्मी बोलेंगी मम्मी सीधा बोलू ना उसको फर्क पहनना फर्क पहनने के लिए छोटे छोटे पेन शॉर्ट हाँ स्पोर्टिंग पहनने के लिए उसको पसंद है हाँ तो मेरे को दोनों ही पसंद है मुझे कुर्ता जींस सब पहनना पसंद है बट मम्मी को पता है मैं शॉर्ट वॉर्ट सब पहनती हूँ और कोई मना ही नहीं है बट एक मैं इंसिडेंट बोलूँगी एक बार मैंने किया था एक जीन्स था मेरा वो थोड़ा घुटनों से वो थोड़ा फटा वाला जीन्स होता है ना तो मेरी बड़ी माँ के पास जब मेरी बड़ी माँ ने देखा तो क्या क्या पता है उसने अच्छा हाँ उन्होंने क्या किया वहाँ पे थोड़ा उंगली डाल दी ये क्यों फटा हुआ है बोल के और ज़्यादा फाड़ दिया तो ये एक इंसिडेंट है मेरी बड़ी माँ को मैं ज़्यादा छोटा छोटा कपड़ा पहनूँ वो पसंद नहीं है बट मम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक हो गया ये क्वेश्चन और क्या पूछूँ भयो हाँ अभी बड़ी माँ और मम्मी तो बोर नहीं होगी बड़ी माँ को पूरा अभी कैमरा से थोड़ा वो होने लग गया सो आज का क्वेश्चन यही था अगर आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताना और कमेंट करना और क्या क्या मैं इन लोग दोनों से पूछूं क्योंकि यही दोनों मेरे लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना और आप लोग को देखे कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय 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 बाय